पवित्र गुफा पर पहुंचना। टोटली अनप्लान्ड राइड। आपको देख के ताज्जुब होगा कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। विश यू अ हैप्पी अमरनाथ यात्रा। दोस्तों इस सीज़न में तीन साल से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई है, लेकिन अभी कोइंसिडेंसली मैं लकी हूँ कि मैं होली केव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और किन के साथ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। एक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, केबलिंग का काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में जब भी यात्रा होगी तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। दुनिया के अंदर सबसे ऊंचाई पे किए जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। और मेरे साथ में है, मतलब जो होते ना, अनिल बिंद्रा जी से कल मेरी बात हुई थी, और ये दीपक जी हैं, इनकी वजह से ऊपर जाया जाएगा। ये हैं इस प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे AW सर। हाँ, और दुनिया में सबसे हाइट पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए, उसके ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो अब शुरू करते हैं। हमारी जो सवारी है आज बाइक नहीं है, आज हमारी सवारी जो है ये प्यारे प्यारे से जानवर हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट टीम है ये इस यात्रा के लिए जो काम कर रहे हैं। ये हमारे केबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, आगे जो जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा मकसद जो है वो होली केव पे अपना माथा टेकना है। टोटली अनप्लान्ड मुंबई से निकला हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि कल शाम तक मुझे नहीं पता था। आपको पता है मेरा RT-PCR हो गया है, मैं आगे निकलने वाला था, लेकिन अनप्लान्ड इसी को बोलते हैं। ये ज़्यादा ऊंचा है क्या? और सेट भी लो ना इसको। चलो चलो पैर एक बार। अरे वो दूर हो जाएगा। नहीं सर। यस। इधर वाला? इसका नाम क्या है? इसका नाम रखो कुछ। जुस्तुम। तो अभी दोस्तों मेरी दोस्तों के ऊपर में हूँ। और आपका नाम? समीर। ये कांप सा रहा है ना? ये थक गया है थोड़ा। ये कांप रहा है, मैं भी कांप रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी घुड़सवार हैं। और दोस्तों हम लोग एक मिशन पर हैं, लेकिन इस मिशन में ये कैमरे की तरफ मुँह दिखा दो, हंस के दीपक जी। घोड़ा भी मैं मस्ती से अकेले चला रहा हूँ, उसका नाम रुस्तम है। व्यूज बहुत ब्यूटीफुल है। अभी ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर भी हमें और आगे जाना है, अब शायद 12 किलोमीटर भी और आगे जाना होगा, एक ही किलोमीटर हुआ है। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। रास्ता जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा खतरनाक होता जाएगा। तो रुस्तम अपनी मस्ती में जा रहा है। व्यूज का जहाँ तक सवाल है ना, देखिए घोड़े पे बैठ के ब्लॉगिंग में पहली बार ही कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है। जब बैठा नहीं था तब डर बहुत लग रहा था, लेकिन अब घोड़े की भी जान है, मेरी भी जान है, तो बस चलते हैं साथ में। अभी व्यूज थोड़ा थ्रिलिंग है। बाइक पे तो आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं कितना कॉन्फिडेंट रहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं हूँ रुस्तम पे, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना, हाँ, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये व्यूज होली केव की तरफ। तो रुस्तम भैया इधर आओ, इसे जरा रुस्तम से थोड़ा किनारे पे चल रहा है। नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वैसे तो टेंशन नहीं ले रहा। ये खींच चलता है।
जिंदगी कैसी कैसी लोग जीते हैं ना दोस्तों, देख के अच्छा लगता है। हमारी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जिंदा जिंदा रहने के लोग इतनी मेहनत करते हैं। वो जब आप अपने घरों से निकलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। उस्तम भैया साइड में आ जाओ, बहुत डेंजरस है लेकिन घोड़े को हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। ये ग्लेशियर, अब आगे ग्लेशियर मिलेंगे एक्चुअली जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। ये जो आप ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी देख रहे हो, ये जहाँ से निकलता है वहाँ तक अभी हमें पहुँचना है। सही में यार बहुत टफ है। सही में टफ है। अभी सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर हुए होंगे, 9 से ज़्यादा किलोमीटर अभी बाकी है। कलाड़ में आपने इस तरीके के टर्न्स देखे थे और अभी नज़ारे बेहद खूबसूरत है। अगर आपको दिख रहा है तो ऊपर एकदम टॉप पे कुछ हॉर्सेस हैं, वो भी हमारी टीम का पार्ट है। हम लोग भी अभी वहीं जाएंगे। रास्ते जितने दुर्गम होते हैं मंजिल उतनी खूबसूरत होती है, लेकिन ये रास्ते दुर्गम भी हैं और खूबसूरत भी हैं। हाँ, लेकिन कमज़ोर दिल वालों के लिए शायद ये दिक्कत दे सकते हैं। रियली टफ है। जब मैं बाइक चलाता हूँ तो आपको पता है कि मैं तो मेरे हाथ में होता है, लेकिन हाँ रुस्तम के हाथ में, और रुस्तम के मालिक के हाथ में। अभी मामला टफ है, घोड़े को थोड़ी सांस लेनी चाहिए, उसके बाद में ये स्टिफ चढ़ाई इसको हम चढ़ेंगे। अब टाइम आ गया है कि घोड़ों को भी सांस लेने दी जाए और इनको पानी वानी पिलाया जाएगा, और कहीं ना कहीं बाइक पे बैठना कंफर्टेबल है लेकिन घोड़े पे बैठ के मेरे बम्प्स भी उतने कंफर्टेबल नहीं है। थोड़ा रेस्ट करते हैं, हॉर्सेस को पहले पानी पिलाते हैं। हॉर्सेस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, पानी इन्होंने पी लिया, घास वास खाएंगे, और जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे हमारे कैप्टन साहब के लोग पहुँच गए हैं, अब वो सब चेक करेंगे। दीपक जी नीचे, हाँ दीपक जी वहाँ नीचे है ना जी जी, हाँ वो सभी हैं। दोस्तों ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑपरेशन है जो अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है,
बेस कैंप से लेके हॉली केव तक लाइटिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें एलईडी लगा रहे हैं हम लोग। जी जी एलईडी लगा रहे हैं, इसमें टोटल एलईडी लगा रहे हैं। कुछ बताएंगे सर और कुछ? हाँ, इसमें हमने जो 25 केवी के ट्रांसफार्मर हैं वो लगभग 19 के करीब है, रास्ते में हम लगा रहे हैं। तो हमारे पास लाइटिंग का पूरा जो इल्यूमिनेशन, हम पूरा जो हमारा जो ट्रैक है हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका प्रोजेक्ट तो चैलेंजिंग है, तो इंशाल्लाह हम तो इसको कंप्लीट करके ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंजिंग है। ये हेलीपैड का वो है, एच लगा हुआ है, तो यहाँ पे का ही आर्मी का रहता है, आर्मी का रहता है। राइट राइट। अब आप बताओ कि सही में मैं लकी हूँ या नहीं हूँ। जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं, मुझे पता है कि बहुत टफ होता होगा। दो साल से तो बंद है, बहुत टफ होता होगा जिन्होंने भी अमरनाथ यात्रा की है। लेकिन इस यात्रा को पूरा करने के लिए भी कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनमें से ये टीम है। इनको अपना काम करने देते हैं, मैं अपने व्यूज़ एंजॉय करता हूँ। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बस ऐसे ही कल हम बैठे थे होटल अकबर के अंदर और जस्ट थोड़ी सी बात हुई, और बात होते ही इन्होंने बोला कि आप चल सकते हैं हमारे साथ में। हेलो, देखो क्या तुम ठीक हो? अफजले, क्या चीज़ की ज़रूरत है बताओ? की ज़रूरत है। देखो मेरा व्लॉग हिट हो जाएगा तो मैं गिरा हुआ देखा के फिलहाल घोड़े पे बैठने में मुझे थोड़ा प्रैक्टिस उतना नहीं है, लेकिन उतरना तो इन्होंने सिखा दिया है, तो उतर तो मैं आराम से गया था। लेकिन ठीक है, ये साथ में होते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बना रहता है। अभी आधा रास्ता हमारा हो गया है, आधा रास्ता अभी बाकी है हॉली केव तक पहुंचने का, अमरनाथ गोवा तक पहुंचने का, बर्फानी बाबा के पास पहुंचने का। पानी पहाड़ के बीच में से निकल के आ रहा है, ऊपर से कहाँ से आ रहा है नहीं पता। एक रास्ता ऊपर भी है, हमें नीचे की तरफ डाइवर्ट करके भेजा गया। नीचे वाला ये रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप देख के आइडिया लगा सकते हो। एक्सट्रीम डेंजरस। एक्चुअली रुस्तम को भी डर लग रहा है। यहाँ पे मैं उतर गया हूँ, रीज़न यहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों पे हम लोग ऐसे उतर उतर के जाएंगे। हाँ मैं आ रहा हूँ। दोस्तों ये संगम है, इधर से भी रिवर, इधर से भी। हम लोग अभी ये जो ऊपर पॉइंट है वहां से पैदल उतरे, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ थी, स्लोप ज़्यादा था, तो हमारे होल्ड फॉर्सेज जो हैं वो इधर आ गए। यस, संगम इसलिए इसको बोलते हैं कि जो पहलगाम से जो रास्ता आता है, हाँ, और जो बालतल से रास्ता, दोनों यहाँ मिलते हैं। ओके, ऐसे मोड़ हमेशा अच्छे लगते हैं कि मोड़ के बाद में क्या होगा। अभी तो फिलहाल चढ़ाई होगी और बहुत ऊपर तक है। वो बहुत किनारे पे आ गया।
बहुत स्टिफ चढ़ाई है। पानी है फूल ओ वेरी नाइस। इतनी जबरदस्त रॉक के अंदर फूल भी खिले हुए हैं। चल मेरे दोस्त दोस्तम चढ़िया चढ़िया चढ़िया। अब दोस्तों जो मंजिल है वो सामने नजर आ रही है, होली केव पवित्र गुफा शिवलिंग। अभी वहाँ शायद नहीं होगा लेकिन बात वो नहीं है, बात एक एनर्जी की है, विश्वास की है। अब मौका मिला तो मैं आ गया हूँ। सीजन में तो यहाँ बर्फ ही बर्फ होती होगी सर, यहाँ तक बर्फ होती है फुल, है ना फुल है? यहाँ दुकान है देखिए इसके ऊपर, लेकिन अभी इस तरीके से यहाँ पर पहुँचना एक तरह से इम्पॉसिबल ही था। अभी थोड़ा ही दूर और है, होपफुली हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बहुत सुकून है ये पहाड़ी चूहा, इसको मेंटक भी बोलते हैं। लद्दाख में पैंगोंग के पास में बहुत होते हैं, आप अगर इनको फोटो खींचोगे तो पोज भी देंगे। हिरन हाँ वेरी गुड। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में गुफा, बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों, जिनका है समीर भाई उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये इतना अच्छा व्यू आप शायद मेरा देख पा रहे होंगे। मैं कहीं हॉर्स राइडर नहीं हूँ लेकिन मैं हॉर्स पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारी पीछे की टीम, मतलब आपकी टीम काफ़ी पीछे है, सिर्फ कैप्टन साहब आ गए हैं और मैं इनके साथ साथ चल रहा हूँ। आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो ऐसे ही बोला जाता है कि बोल के बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कुछ चीज़ें शब्दों में बयान हो नहीं पाती हैं। टोटली अनप्लान्ड राइड था, कल दोस्ती हुई, ऑफर हुआ और आज मैं दर्शन कर रहा हूँ उस जगह के जहाँ मैं शुरू से जाना चाहता हूँ, जाना चाहता था। वो अगर आपको कुछ येलो और रेड कलर में नज़र आ रहा है वो हम लोगों की केबल्स हैं जो प्रोजेक्ट चल रहा है, और होली के जो है गुफा तक, वहाँ तक भी जाएगा प्रोजेक्ट कुछ दिनों में। फिर भी जब भी नेक्स्ट जब भी यात्रा होगी तो आपको पूरी यात्रा में रोशनी अवेलेबल होगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग इस प्रोजेक्ट के लिए। वो गुफा देखने में पास में लग रही है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी वो यहाँ से एटलीस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है, दूर तो है। चलते हैं धीरे धीरे, यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक भी पहुँच ही जाएंगे। ये व्यू देखो क्या मस्त नज़ारा। अब आगे जाएंगे, चलो सर आगे, बर्फ है भाई। अरे रुक जाते हैं भाई, कैसे निकलेंगे, बर्फ में स्लिप हुआ तो अब रुस्तम बर्फ पे है, मुझे लग रहा है डर। समीर कह रहा है कि लोहा लगा हुआ है पाँव में, स्लिप नहीं करेगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस स्लिप कर रहा है। हाँ
मानना पड़ेगा यार। मानना पड़ेगा बस, हिम्मत है। ब्रिज तो आगे टूटा हुआ है, आपको तो जाना पड़ेगा पानी से। इतना गहरा भी नहीं है। अब मुझे थोड़ा रुस्तम पे कॉन्फिडेंस आ गया है, ये ऐसी ऐसी जगहों पर हमसे निकल जाता है। एक अलग ही अनुभव, अलग ही एहसास। खाली केव, पवित्र गुफा आप देख सकते हैं एकदम सामने। ये गजब का नजारा, सोचा भी नहीं था कि घर से निकलते वक्त कि मैं अमरनाथ की यात्रा करने वाला हूँ, अमरनाथ गुफा तक पहुँच भी पाऊँगा, ख्याल ही नहीं था। इसको बोलते हैं अनप्लान्ड राइड। जिंदगी दोस्तों हमारे लिए, हम कितना भी प्लान करें ऊपर वाला अपने हिसाब से आपके लिए अच्छा ही सोचता है, तो ऊपर वाले ने जो सोचा है उसे करने दो, अपने सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, बस अपनी कोशिशें करते रहो। अभी एक हॉर्स का चढ़ाई मारेगा, मैं इसको जोर से पकड़ लेता हूँ। बाइक से रिवर क्रॉसिंग किया है हम लोगों ने, अभी हॉर्स से भी रिवर क्रॉसिंग करना है। यहाँ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। मेरा मकसद तो सबको पता है, ये हॉली केव पे पहुँचना, पवित्र गुफा पे पहुँचना, जहाँ असीम शक्तियाँ हैं, बहुत पावरफुल। यात्रा के टाइम तो यहाँ मेला लगा रहता है, लेकिन ऐसे टाइम में सिर्फ जो काम करने वाले लोग हैं बस वही हैं। मेरी सांस पूरी तरीके से फूली हुई है, क्यों फूली हुई आपको पता है। शायद आपको आइडिया लग रहा होगा देख के कि कितनी मुश्किल मुश्किल यात्रा है अमरनाथ यात्रा। मैं तो घोड़े पे आया हूँ, उसके बाद वहाँ तक पहुँचना, पहुँच तो मैं जाऊँगा D2 में भी, महादेव ने बुलाया है तो दर्शन करके जाऊँगा। पानी का स्रोत इन पहाड़ों में सब जगह है। होली केव के ऊपर, पवित्र गुफा के ऊपर भी आप देख सकते हो महादेव के प्यार में लोगों ने झंडे लगाए हैं, जिसे दूर से अगर किसी को कोई दिशा भ्रम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो दूर से देख सके कि उन्हें यहाँ पहुँचना है। अगर दोस्तों मानो या ना मानो, कुदरत में असीम शक्तियाँ, अद्भुत पावर है, ज़रूरत है उन पावर को महसूस करने की। यह अलग बात है कि मेरी पावर अभी ख़त्म हो रखी है ऊपर तक चढ़ने की, लेकिन यही मेरी परीक्षा है। जब इतना अच्छा मौका बन गया है तो मुझे वहाँ तक
पहुंचना ही है। एकदम करीब आ गया हूं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। और नीचे जाने के बाद में जो वर्कर्स कॉटेज है वो पीछे ऊपर है, तो ऊपर जाने की हिम्मत अब बॉस आपके फिकिरा में नहीं है, तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे में आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ एक बार। बहुत ही अद्भुत फकीरा का सैल्यूट है दोस्तों उन लोगों को जो ये यात्रा पैदल करते हैं, और उस सीज़न में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती होगी, श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है।